नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन शुक्रवार को दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित उनकी बेटी मीसा भारती के आवास पर मनाया गया। लेकिन लंबे समय से चर्चा जब लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हुए तब से चल रही है कि लालू प्रसाद यादव पटना कब आएंगे। बिहार में उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अपने पार्टी के सुप्रीमो का। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचे उनके छोटे बेटे व बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया है कि बहुत जल्द ही लालू प्रसाद यादव बिहार आने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा आप सुनिए। और सब लोग, परिवार के लोग जो हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं तबीयत को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए जो है हम लोगों ने काफ़ी सीमित लोगों से मिलने की अनुमति दी है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क हम लोगों को लेना नहीं है सेहत को देखते हुए। तो केवल जो परिवार के लोग हैं जी, उन्हीं से लालू जी जो है मुलाकात कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि जो गरीबों के मसीहा हैं, समाजवादियों को जिस प्रकार से इन्होंने जागरूक करने का काम किया, और अभी भी बिहार में ही नहीं देश भर में लोग लालू जी को मिस कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि फिर से वो जल्द से जल्द जो है मुख्य राजनीति में आए। और जिस प्रकार से वो उनका जीवन रहा है संघर्ष का जी, और आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर देश को अगर ज़रूरत है तो ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो कि सीधे जो है सांप्रदायिक शक्तियों से चुनौती ले सके और मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इंतजार बिहार में हो रहा है। बिहार में जिस तरीके से लगातार सियासी बयानबाजी जारी है, बिहार में जिस तरीके से अटकलों का दौर जारी है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली और लालू प्रसाद यादव का इंतजार हो रहा है, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर बताया है कि जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक लालू प्रसाद यादव पटना नहीं आएंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।